फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बर्नौली क्वेश्चंस को लेकर बात करने वाले हैं, और हम लोग साथ ही ये भी देखेंगे कि ये जो हमारा बर्नौली इक्वेशन है इसके अजम्पशंस क्या होते हैं, और यूलर इक्वेशन से हमारा बर्नौली इक्वेशन किस तरीके से डिराइव होता है। तो चलिए समझते हैं चीजों को। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा यूलर इक्वेशन का जो हमारा अजम्पशंस है, ये अजम्पशन देख लीजिए, देखिए यूलर इक्वेशन से ही हमारा बर्नौली इक्वेशन निकल कर यहाँ पर आया हुआ है। तो यूलर इक्वेशन का चाहे आप अजम्पशन मान लीजिए या बर्नौली इक्वेशन का अजम्पशन मानिए, सेम चीज है। और यहाँ पर पहले अजम्पशन को समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज है दैट इज द आइडियल फ्लूड होना चाहिए। आइडियल फ्लूड का मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो क्या कि ये जो आपकी फ्लूड है, इस फ्लूड की जो विस्कोसिटी है वो आपकी क्या होगी, जीरो होगी। डेट फ्लूड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूड। और यही जो आपकी विस्कोसिटी जीरो होगी तो इस फ्लूड को मैं नॉन विस्कस फ्लूड भी बोल सकता हूँ। तो आप आइडियल फ्लूड बोलिए चाहे नॉन विस्कस फ्लूड बोलिए, देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो आइडियल फ्लूड या नॉन विस्कस फ्लूड एक ही बात हो गया, लेकिन आप इस चीज को अलग अलग पॉइंट पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल फ्लूड पे आपका क्या है, अगर म्यू जीरो है तो शियर स्ट्रेस भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सेम प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी फ्लो। व्हाट इज स्टडी फ्लो, जिसमें आपकी जिस फ्लूड की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज मतलब आपका डेंसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब जो आपकी प्रॉपर्टी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, उस टाइप के फ्लूड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, फ्लो शुड बी इन कंप्रेसिबल फ्लो। इट कंप्रेसिबल मतलब आप समझ चुके हैं, जिस भी फ्लो का जो कंप्रेसिबिलिटी है वो 5% से कम होता है तो उसको हम लोग इनकंप्रेसिबल फ्लो में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा इरोटेशनल फ्लो और फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई पार्टिकल है, तो कोई पार्टिकल मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल आपको एक प्लेस से दूसरे जगह ले जाना है, तो इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है, इसके पार्टिकल के आप हर पोजिशन पे देखोगे तो बिल्कुल ये पार्टिकल क्या होगा, एक ही पोजिशन पे आगे मूव करेगा। तो ये जो आपके पार्टिकल है डेट इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। और रोटेशनल फ्लो मतलब क्या है, ये आपका घूम घूम के जाएगा, तो कभी भी जो पार्टिकल का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा, इरोटेशनल फ्लो के लिए होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारा कंडीशन था, ये हमारा अजम्पशंस को लेके था। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि हमारा यूलर इक्वेशन आता किस तरीके, यूलर इक्वेशन से बर्नौली किस तरीके से आएगा। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये टोटली आपका फ्लूड का एनालिसिस है। तो हम क्या करते हैं, फ्लूड का पार्टिकल उठाते हैं, और मान लीजिए किसी पाइप के अंदर अगर कोई आपका फ्लूड का पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कि आपका पाइप है जहां से आपका क्या है, ये आपका कोई फ्लूड का पार्टिकल इस तरीके से निकल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सिलेंड्रिकल जो पार्ट होता है इसका, ये पार्ट को, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को उठाकर मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किस कंडीशन से चीजें होंगी। तो आइए हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये हमने एक सिलेंड्रिकल पार्ट उठाया हुआ है इसका। तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका ये एक्सिस मान लेते हैं। तो ये आपका एक इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होगा, देखिए डेफिनेटली फ्लूड की बात हो रही है तो उस पर प्रेशर एक्ट करेगा। प्रेशर आपका किस तरीके से एक्ट करेगा, ये अगर मैं एक्सिस के अलोंग बात करूं तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट करेगा दिस इज द पी, और अकॉर्डिंग टू टेलर्स इक्वेशन जब हम लोग आगे मूव करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या करेगा, पी प्लस डी पी। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हमारे पास जो प्रेशर लगा हुआ है दोनों साइड से लगा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये जो हमारा फ्लूड पार्टिकल, इसका एक्ट वेट भी तो है, डाउनवर्ड साइड एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सपोज ये जो आपका वेट है, तो मान लीजिए कि ये जो आपके फ्लूड पार्टिकल, इस फ्लूड पार्टिकल का जो नीचे वेट है वो आपने कितना ले लिया, आपने एम जी ले लिया है। क्लियर है, और यहाँ पे अगर मैं एंगल को लेके बात करूँ तो एंगल हमारा किस तरीके से डिफाइन हो सकता है, मान लीजिए कि ये जो आपका एक्सिस है तो यहाँ से आपका एंगल कितना बना रहा है, डेट इज द थीटा। क्लियर है, तो ये जो हमको दिखा हुआ है, ये कंडीशन हमको जो दिख रहा है, ये कंडीशन पे हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो देखिए इसमें विस्कस तो है नहीं, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो टाव का इफेक्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि टाव इक्वल टू क्या होता है, टाव इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होता है ना। तो आपने आइडियल फ्लूड लिखा है तो म्यू का इम्पैक्ट तो खत्म हो गया, तो ये वाला कंसेप्ट कहीं आएगा नहीं, मतलब यहाँ पर शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
तो अगर आप लोग अगर अब हम लोग यहां पर बात करें तो इस फ्लूइड पार्टिकल में इसका देखिए हम लोग कुछ लेंथ भी ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है ये हम लोग कितना ले लेते हैं, ये पोर्शन को हम लोग मान लीजिए कंसिडर करते हैं, दिस इज डीएस, ओके। और इसका जो हाइट है रेफरेंस प्लेन से उसको हम लोग जेड लेके चलते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स इक्वेशन, देखिए जो हमारा यूलर इक्वेशन है वो क्या बोलता है, यूलर इक्वेशन ने जो आपको एनालिसिस किया था अकॉर्डिंग टू यूलर इक्वेशन, तो यूलर इक्वेशन ने आपका क्या चीजें एनालिसिस करके रखी हुई थी कि इसने दो फोर्स को एनालिसिस किया था, कौन कौन सा फोर्स था वो, दैट इज द प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं दैट इज एफ पी, दैट इज द प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स दैट इज एफ जी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इनर्शिया फोर्स। ये आपको क्लियर हुआ, मतलब यहां पर आपको एक प्रेशर फोर्स मिलेगा और एक आपको ग्रेविटी फोर्स मिलेगा और इसका जो कंबाइन इफेक्ट है वो आपका क्या है, इनर्शिया फोर्स, दैट इज द अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू ma बोलता है, तो ma क्या आपका इनर्शिया का इफेक्ट रहता है और ये आपका क्या है, टोटल फोर्स। तो ये कंपोनेंट को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा कंपोनेंट डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर जैसे P की बात हो रही है तो यहां पर देखिए कौन कौन सा, तो इस लाइन के अलोंग आपके जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस को मैं कंसीडर करता हूं यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इस पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन फोर्स आया हुआ है तो फोर्स के लिए ये जो हमारा पार्ट है दैट इज द एलिमेंट्री पार्ट, और P इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, P इक्वल टू होता है F बाई A, यही होता है। तो हम लोग अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, P इंटू A, लेकिन यहां पर ये एलिमेंट्री पार्ट है तो A हमारा क्या बनेगा, दिस इज dA, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, P इंटू dA। ये आपको समझ में आया प्रेशर फोर्स, तो ये अभी आपका P लगा हुआ इस लाइन के एक्सिस, और इस लाइन के अलोंग अगर आप देखोगे तो क्या लगेगा, तो ये आपका अपोजिट साइन हो जाएगा, तो ये हमने लिखा माइनस, और यहां पे हम लोग अगेन क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पी प्लस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज डी पी इंटू आपको क्या मिलेगा, डी ए, क्लियर। तो इस लाइन के अलोंग हमने फोर्सेस कंसीडर कर लिया है और ये आपका प्रेशर फोर्स हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द ग्रेविटी फोर्स, और ग्रेविटी फोर्स की बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला है कंपोनेंट, ये जो आपका एम जी है, तो mg हम लोग क्या करते हैं इस लाइन के अलोंग अगर लेके आएंगे इसका कंपोनेंट, तो दिस इज द mg cos थीटा, और डायरेक्शन क्या बनेगा, अंदर की तरफ, तो यहां पर अगेन हम लोग लिखते हैं दैट इज द mg cos थीटा, mg cos थीटा इक्वल टू, ये आपको इनर्शिया फोर्स दिख रहा है, इनर्शिया फोर्स हमारे पास क्या है, m इंटू a, जो हमारे पास इनर्शिया फोर्स दिख रहा है दैट इज m इंटू a, क्लियर है यहां तक। अब समझिए इसके आगे क्या करना है हमको, इस चीज को हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यहां से एक चीज और, ये जो हमने बात किया हुआ है m को लेकर, तो m को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहां पर नॉर्मली अगर हम लोग बात करें यहां पर m के लिए, यहां पर लिखता हूं तो m इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी, तो एम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज रो इंटू वी, ध्यान से देखिएगा, और जो रो इंटू मैंने v लिखा हुआ है, ये v क्या आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA इंटू ds लिख सकते हैं क्या, एरिया इंटू लेंथ, यही तो होगा। तो यहां पर हमारा जो एरिया है, ये एरिया को हमने कितना लिया हुआ है, दिस इज dA, ये जो हमारा एरिया इसको हमने dA लिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या रो, ये dV को हम लोग लिख सकते हैं क्या, dA इंटू ds। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई, तो बस इसी चीज को उठा के हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। तो देखिए पहले ब्रैकेट ओपन करिए, P इंटू डी ए, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस P इंटू डी ए, और अगेन आपका ये माइनस आएगा और ये आपको क्या मिलेगा, डी पी इंटू ऑफ डी ए, क्लियर है यहां तक। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये आपका क्या दिख गया, माइनस पी डी पी इंटू डी ए, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा एम जी कॉस थीटा, तो mg cos थीटा को सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलेगा, यहां पर m की जगह हम क्या रख सकते हैं, रो इंटू डी ए इंटू डी एस रख सकते हैं, तो यहां पर हमने रखा क्या, रो इंटू डी ए इंटू डी एस, क्लियर। ये हमने किसकी वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी है, फिर आपका g cos थीटा है, तो यहां पर हमने रख दिया g cos थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू a। अब m इंटू a की वैल्यू हमको क्या क्या रखनी पड़ेगी, तो m जो है आपका, m की वैल्यू फिर से आप यही रख लीजिए, रो इंटू डी ए इंटू डी एस, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या, m a की वैल्यू जो है यहां पर हमने लिखा रो इंटू डी ए इंटू डी एस, क्लियर है। अब देखिए a एक्सेलरेशन, जस्ट मैं एडजस्ट कर रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहां पर एक चीज आप देखिए, जो एरिया a, सॉरी नॉट एरिया, इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज dv बाई dt, यही तो है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
इसको एक काम करिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, डीवी बाई डी एस, एस इज द क्या लेंथ है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इंटू डी एस बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस केस को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, आपको दिखेगा डी एस बाई डी टी दैट इज द वेलोसिटी, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका देखो आ गया डीवी बाई डी एस, ये तो आपका आया ही, और इंटू डी एस बाई डी टी को आपको क्या दिखेगा, वेलोसिटी दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो m की वैल्यू क्या मिली है, रो इंटू डी ए इंटू डी एस, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। और एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एस, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, v इंटू डी वी बाई डी एस, ये क्लियर हुआ आपको। अब आप क्या करिए, यहां पर जो जो टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं उस टर्म्स को आप कैंसिल करिए। तो देखिए प्लस डी ए और माइनस डी ए, इसकी कहानी खत्म है पूरा, ठीक है। यहां पर आइए देखिए, ये टर्म्स डी ए देखो, ये वाला टर्म्स डी ए, यहां पर यहां भी आपको डी ए दिख रहा है और यहां भी आपको डी ए दिख रहा है, तो डी ए डी ए डी ए, ये कहानी खत्म। डी एस और डी एस यहाँ ऊपर नीचे भी खत्म है, तो ये भी हमने डी एस को खत्म कर दिया। तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यू बची है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको बचेगा माइनस ऑफ डी पी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आप सिंप्लीफाई करिए इस चीज को, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज माइनस ऑफ डी पी, तो ये हमारे पास हो गया माइनस ऑफ डी पी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे माइनस ऑफ रो डी एस इंटू जी, माइनस ऑफ रो, ठीक है, डी एस इंटू क्या है जी, तो एक काम करो रो जी एक साथ लिख लेते हैं, और डी एस यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, दैट इज द कॉस थीटा, क्लियर यहां तक, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, रो वी डी वी, तो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज रो वी डी वी, क्लियर यहां तक। अब क्या होगा इसके आगे, अब देखिए यहां पर ये वाला टर्म्स को आप देखिएगा एक बार, ये जो हमारे पास है ये इस तरीके से हम इसको एंगल के फॉर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं, किस तरीके से, ये जो आपका लेंथ है ये लेंथ है आपका डी एस, क्लियर यहां तक, ये जो है ये आपका डी एस है, ये जो आप हाइट देख रहे हो हाइट को हम लोग कितना ले रहे हैं डी जेड, और ये वाला जो एंगल, ये एंगल आपका कितना है थीटा, क्लियर है। तो इस अगर डायग्राम से अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज डी जेड, डी जेड बाई डी एस, यही है। तो डी एस कॉस थीटा को डी जेड लिख सकते हैं ना, तो देखिए डी एस कॉस थीटा, ये टर्म्स को देखो आप, डी एस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जेड। तो फाइनली यहां पर देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ डी पी, माइनस ऑफ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो जी, इसको हमने लिख दिया डी जेड, डी जेड क्या आपका हाइट है, इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है यहां पर, ये आपको दिख रहा है रो वी, ठीक है। तो इसको भी इधर ट्रांसफर कर लो तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ रो वी डी वी, दैट इज इक्वल टू आपको क्या दिख गया, जीरो, और ये तीनों आपका माइनस साइन है तो टोटली जीरो हो गया। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन क्या बना, ये आपको बना आप रो से डिवाइड कर दो तो डी पी बाई आपको मिल गया रो, प्लस ये आपको क्या मिल गया z इंटू डी जेड, प्लस ये आपको क्या मिल गया रो आपका डिवाइड हो चुका है तो v इंटू डी वी इक्वल टू आपको क्या मिला जीरो, क्लियर। तो ये जो आपको मिला हुआ यूलर इक्वेशन को जब आप सेटिस्फाई करोगे मतलब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा, ये आपको इक्वेशन मिला है, तो ये हमको मिला हुआ है क्या, दिस इज द यूलर इक्वेशन, ठीक है, ये हमको मिला यूलर इक्वेशन जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लाया हुआ है। अब आपको यहां पर क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन चाहिए, तो अब आप यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, तो यहां पर देखिए बात कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अगर हम लोग दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, ठीक है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करने पर हमको क्या कंक्लूजन मिलेंगे यहां पर, ये आप क्या देख सकते हैं यहां पर कि ये कंडीशन जो आप देखिए जी, तो आपका कॉन्स्टेंट है, यहां पर पहले ऐसा लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीपी बाई रो, ठीक है, प्लस यहां पर आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू डी जेड, ठीक है, प्लस ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिखेगा वी इंटू डी वी, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है यहां तक। तो वो आपका कॉन्स्टेंट निकल कर आएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां भी करते हैं इंटीग्रेट आपका, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा डीपी बाई रो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली पी बाई रो, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी इंटू जेड, और प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस इज वी स्क्वायर बाई टू, और ये आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट, और फाइनली ये जो हमारे पास निकल कर आया हुआ है, तो यहां पर अगर आप
जी से डिवाइड कर देते हैं तो आपको टर्म्स क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा देखिए पी बाई रो जी, ये जो आप देखेंगे यहां पर तो आपको क्या टर्म्स दिखेगा, दिस इज पी बाई रो जी प्लस ये बात करेंगे तो जी से डिवाइड कर दो, इसको पहले इसी को लिख दे रहा हूं वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस ये आपको क्या दिखेगा जेड डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है इस इक्वेशन को हम लोग कौन सा इक्वेशन बोल रहे हैं, डेट इज द बर्नौली इक्वेशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और जो हमको डिराइव करना था। और इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये मतलब है कि देखिए बर्नौली इक्वेशन कभी भी दो पॉइंट के बीच में लगता है और जिस भी दो पॉइंट पे अगर आप बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो पी वन बाई रो जी इस तरीके से, कॉन्स्टेंट है ना तो ये आपका नेक्स्ट लिख सकते हो आप वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस यहां पर आप लिख सकते हो जेड वन और जिस पॉइंट पे लगाओगे तो कॉन्स्टेंट का मतलब ये हो गया क्या पी टू बाई रो जी प्लस यहां पे आप लिख सकते हो क्या दिस इज वी टू स्क्वायर बाई टू जी और प्लस हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं डेट इज जेड टू। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया हुआ है, ये जो हमारे पास कंडीशन दिख रही है, ये हमारे पास कंडीशन है डेट इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन आता है, आपसे एग्जाम्स में पूछेगा कि जो आपका एलर का इक्वेशन होता है एलर के इक्वेशन से आपको बर्नौली इक्वेशन डिराइव करना है। हालांकि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स याद हो तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो आपको लोग पढ़े वहां पर, वहां से भी हमारा क्या हो जाता है डिराइव होता है बर्नौली इक्वेशन से ही। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो इस वीडियो में देख रहे हैं वहां पे हम लोग यूलर इक्वेशन से हमने क्या है बर्नौली इक्वेशन को डिराइव किया है। तो यहाँ पर एक बार यूनिट अगर आप बैलेंस करके देखना चाहते हैं तो देखिए ये आपको कौन कौन से किस यूनिट में दिखता है। तो अगर जैसे मैं बात करता हूँ ये यूनिट को लेकर, ये जो हमारे पास एक यूनिट आई हुई है इसमें यूनिट देखिए पी बाई रो है, पी बाई रो को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए दिस इज पी बाई रो। तो पी की यूनिट क्या होती है, ये आपका पास्कल है या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है रो को हम लोग क्या लिखते हैं डेट इज द केजी पर मीटर क्यू, तो ये हमने लिख दिया केजी पर मीटर क्यू। आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपको क्या मिलेगा मीटर स्क्वायर का कैंसल है तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यूटन मीटर पर केजी, क्लियर है। न्यूटन मीटर को हम लोग लिखते हैं जूल, जूल पर केजी। यहाँ पे आप किसी का भी यूनिट चेक कर लोगे तो आपको जूल पर केजी मिलेगा, जैसे ये पी बाई रो है इसकी यूनिट आपको जूल पर केजी मिलेगी, जी जेड निकालोगे ये भी जूल पर केजी है, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारा यूनिट है दैट इज द वर्क डन पर यूनिट मास है, ठीक है। ये जो हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट मास की यूनिट है, इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं तो ये हमारी कौन सी यूनिट है, ये आपका पी वन बाई पी बाई रो जी है। तो P बाई रो जी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो P बाई रो की तो यूनिट आपकी क्या है जूल पर केजी आ गई और आपको क्या करना है P बाई रो जी निकालना है। तो रो जी अगर आप निकालोगे तो G की यूनिट क्या होगी, ये जो हम लोग G की बात करें तो G क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जूल को हमने यहां पर लिख दिया डेट इज न्यूटन मीटर और जी को हमने क्या लिख दिया डेट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर की कहानी खत्म है और अगर बात करेंगे तो न्यूटन सेकेंड स्क्वायर बाई के जी यही होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपको न्यूटन दिख रहा है आप इसको सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो न्यूटन को ब्रेक कर दो, न्यूटन को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये आपको क्या दिखेगा डेट इज द सेकेंड स्क्वायर और ये आपको क्या दिखेगा के जी, के जी से के जी कैंसल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसल, मतलब कुल मिला के क्या है आपको हाइट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका क्या हेड के फॉर्म में है, ठीक है, इसकी जो यूनिट है आपको क्या निकल के आ रही है मीटर। तो बर्नौली इक्वेशन डिपेंड करेगा कि आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में डिराइव करने के लिए बोला हुआ है। अगर आपको बोलता है इस फॉर्मेट में ये वर्क डन पर यूनिट मास है और ये आपका हेड के फॉर्म में है, जो आपको जैसा लगे जिस तरीके से आपको क्वेश्चन बोला जाए आप उस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।